तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है फिल्ड विद वाटर, और उसको घुमाया जा रहा है अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, और इस रेडियस में घुमाया जा रहा है। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द टॉप ऑफ द पाथ सो वाटर डज नॉट फॉल। तो यहाँ पर जब ऐसे सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड टॉप पे कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब पानी नहीं गिरे, इफ इट कंटिन्यू विद दिस स्पीड, मतलब ये जो स्पीड है वो पूरे सर्कल पे हर पॉइंट पे अगर कांस्टेंट रखा जाए इसी स्पीड से, तो नॉर्मल फोर्स ऑफ द बकेट एट लोएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल कितना होगा। तो बस आर के टर्म में, और जो वाटर है, ये वाटर विल सर्कल ऑफ रेडियस आर के वर्ड मिनिमम स्पीड ऑफ वाटर डज नॉट फॉल। तो नॉर्मल मान लेते हैं, इसमें जो मास वाटर का मास है वो कैपिटल स्मॉल एम है, तो इन सब के टर्म में ही हमें सोल्यूशन चाहिए। तो चलो यहाँ से बात करते हैं टॉप पॉइंट पे। तो अगर टॉप पॉइंट पे ऐसे घुमाया जा रहा है, तो तुम हम लोग को पहले से पता है बच्चों कि टॉप पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये अपने फ्रेम में जो पानी है वो नॉर्मल, देखो बकेट, जो बकेट समझना, जो यहाँ बकेट है टॉप पॉइंट पे जो बकेट यूज हुआ है, इस बकेट में जो वाटर है, ठीक है ना, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ फील करेगा, जिसकी वैल्यू होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये इस सरफेस को, जो वाटर वाटर जो है बकेट के सरफेस को, वाटर अलग है बकेट अलग है यार, ठीक है, तो बकेट के सरफेस को जो पुश कर रहा होगा तो नॉर्मल नीचे आएगा, ठीक है ना, और एम जी भी नीचे आएगी, पानी की जो एम जी है वो नीचे आएगी, और नॉर्मल एंड एस, ये नॉर्मल वाटर पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, बकेट लगा रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैं वाटर का इस फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो वाटर के पास मास है, तो वाटर के पास अगर मास है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने फ्रेम में ऊपर फील करेगा, ठीक है, और एम जी वाटर का नीचे लगेगा, और इसी वाटर पे जो बकेट है वो नॉर्मल नीचे लगाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो अगर पानी नहीं गिर रहा है, वाटर नहीं गिर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ वाटर डज नॉट फॉल, वाटर डज नॉट फॉल। अगर वाटर फॉल नहीं कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एन डैश प्लस एम जी की जो वैल्यू है दैट इज मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। तो एन डैश की वैल्यू आ जाएगी वो एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी के इक्वल होगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ एम बी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, एम बी स्क्वायर ओवर आर भी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत वाली मुसीबत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये नॉर्मल एन डैश है, और वाटर फॉल नहीं कर रहा तो नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल एन डैश मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू ज़ीरो फॉर नॉट फॉलिंग ऑफ वाटर, नॉट वाटर फॉलिंग, ठीक है, वाटर नॉट फॉल, वाटर नहीं गिर रहा है तो ये इसकी वैल्यू इतनी तो होनी ही पड़ेगी। सो वी मस्ट अप्लाई दैट एम बी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वी विल सॉल्व दिस इनइक्वलिटी। तो इस इनइक्वलिटी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से एम बी स्क्वायर आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, ठीक है, तो यहाँ से एम ने एम को, तो बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अंडर रूट। तो टॉप पॉइंट पे अगर देखोगे तो दिस इज द टॉप पॉइंट, तो टॉप पॉइंट पे अगर स्पीड देखोगे तो यहाँ से स्पीड या तो इससे अधिक होनी चाहिए और या तो इसके बराबर होनी चाहिए। तो अब हमें मिनिमम स्पीड पूछा है टॉप पॉइंट पे, तो मिनिमम स्पीड जो है वो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी और आर जी अंडर रूट होना चाहिए, दिस इज द मिनिमम स्पीड। अगर स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो वाटर विल फॉल, और नहीं, वाटर नहीं गिरेगा, और इससे कम होगी तो वाटर गिर जाएगा। अगर स्पीड भी मिनिमम से लेस देन है आर जी से अंडर रूट, तो वाटर विल फॉल, वाटर फॉल करने लगेगा, ठीक है ना, इससे बराबर या इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये कहते हैं कि अगर इसी स्पीड से घुमाया जाए, ठीक है, अगर इसको इसी स्पीड से कंटिन्यूस घुमाया जाए
तो जो लोएस्ट पॉइंट है इसी स्पीड से घुमाया जाए, तो इस लोएस्ट पॉइंट पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा बकेट ऑन वाटर, ठीक ना। इट कंटिन्यूज नॉर्मल फोर्स द बकेट एग्जर्ट ऑन वाटर, तो वाटर पे कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा लोएस्ट पॉइंट पे। तो चलो लोएस्ट पॉइंट की अगर बात करते हो, यहाँ से अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करो, एक मैं आपके लिए अच्छा सा सर्कल बनाता हूँ। तो लोएस्ट पॉइंट की बात ध्यान रखना, इसमें बच्चों को डाउट क्या आता है, इसमें बच्चों को ये डाउट आता है कि सर उसी स्पीड, क्योंकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े हैं और स्पीड याद कर लेते हैं कि कहीं कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पहले से एक कंडीशन है कि यहाँ से जो ये लोएस्ट वाला पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट पर इस पे स्पीड वही है भाई, स्पीड वही है, कितना है, इसी इसी स्पीड से स्पीड आर जी है हर पॉइंट पे, ठीक है। हर पॉइंट पे आर जी से घुमाया जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो आर जी है अंडर रूट वो तो इधर आ जाएगा, और इस पॉइंट पे जो एम जी है वाटर पे एम जी है वो तो नीचे लगेगी, और नॉर्मल यहाँ पे ऊपर लगेगा, ठीक है ना। नॉर्मल एन ऊपर लगेगा, ये नॉर्मल इस वाटर पे कौन लगा रहा है, बकेट लगा रहा है, एम जी वाटर पे कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो नॉर्मल माइनस एम जी दैट इज मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर, या अगर सेंट्रिफ्यूगल से करना चाहते हो तो जो वाटर है वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इधर पुल करेगी एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो बात बराबर है, तो एन प्लस एन मस्ट बी इक्वल टू, एन मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी। आप दोनों से कर सकते हो, सेंट्रिपिटल से भी कर सकते हो और सेंट्रिप्यूगल से पढ़ सकते हो। सोल्यूशन व्हील से, सेंट्रिपिटल से मतलब ग्राउंड से देखोगे, सेंट्रिप्यूगल मतलब उसी के फ्रेम में बैठे हो और सूडो लगाओगे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ से नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम अपान आर, और वी की वैल्यू है आर जी और प्लस एम जी, ठीक है ना। तो आर ने आर को काट दिया, तो इस वक्त जो नॉर्मल है वो 2 टाइम्स mg के इक्वल होगा, अगर उसी स्पीड से घुमाओगे तो इतना नॉर्मल फील करेगा। तो वाटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मेरे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों, और अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो।